आज है 23 जून और ये तारीख किसी एक कारण नहीं बल्कि दो दो कारणों से खास है। पहला, आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और दूसरा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी आज ही मनाया जाता है। पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। 23 जून को विश्व के प्रत्येक कोने में ओलंपिक आदर्शों का प्रसार करने के उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन सैकड़ों जवान और बूढ़े दौड़ प्रदर्शनियों, संगीत और शैक्षिक सेमिनार के रूप में खेल गतिविधियों में भाग लेते हैं। हालांकि कोविड के चलते इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। इसके इतिहास की बात करें तो 23 जून 1894 में पेरिस में आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत साल 1948 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई, जब स्विट्जरलैंड के नगर सेंट मॉरिट्ज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 42वें सत्र में ये फैसला लिया गया था कि भविष्य में प्रत्येक साल इस संगठन के गठन की तारीख पर यानी कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, जो हर साल 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को प्रस्ताव पारित करके हर साल 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है, ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने खबरें चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब करें।